मैं अगर आपसे कहूं कि पबजी मोबाइल गेम जो है पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है तो आपको जो है सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये है, मैं आपको जो है प्रूफ के साथ बताऊंगा। और फौजी गेम के बारे में एक अपडेट आया है कि कब ये जो है रिलीज़ होने वाला है, उसकी डेट क्या है, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। कब से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप चला सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों टिकटॉक की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है टिकटॉक इंडिया को लेकर, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब से जो है पबजी गेम बैन हुआ है, तब से जो पबजी खेलते थे वो अब जो है पबजी के अल्टरनेटिव जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है खेलने में मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि पबजी अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है तो आप सुनने में काफ़ी अजीब लगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि टेंसेंट कंपनी का पबजी गेम है और जो इसके कई प्रकार होते हैं, तो आपको जो है पबजी मोबाइल गेम बैन हुआ है, ना कि जो है पबजी पीसी गेम। तो अगर आपको डाउनलोड करना है, हालांकि इसमें जो है आपको 999 रुपये देने होंगे, तो आप डायरेक्ट जाइए pubg.com पे जाके वहाँ पे आप जो है पबजी लाइट या पबजी का न्यू वर्जन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप चला सकते हैं, लेकिन पीसी और लैपटॉप में ही इसे चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है दोस्तों फौजी गेम को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट आ चुकी है, तो मैं आपको जो है इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और ये जो पोस्टर है बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये हर न्यूज़ चैनल पे सब पे जो है ये खबर छाई हुई है। जैसे कि दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में ये जो है आर्टिकल छपा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फौजी गेम जो है अक्टूबर के लास्ट तक जो है आने का इनका जो है एक कॉन्सेप्ट है, और ये जो अक्टूबर के लास्ट तक आ सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेवलपर्स एंड कोर गेम है और इसके जो फाउंडर हैं वो विशाल गोंदल हैं। और दोस्तों इसमें जो है बहुत ही कमाल के फीचर्स ऐड किए गए हैं और ये पूरा जो है एक्शन गेम होने वाला है। जैसे आर्मी के कमांडो होते हैं वैसे ही ये गेम होगा, आपको मिशन दिया जाएगा, वो मिशन आपको पूरा करना होगा। और ये फौजी गेम जो है पबजी गेम से भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है, पूरा एक्शन गेम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विशाल गोंदल ने जो है ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि अक्षय कुमार ने जो है इसका रिवेन्यू जो है 20% रिवेन्यू इसे जो है भारत के वीर के ट्रस्ट में दान करने की बात कही। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर आ रही है दोस्तों टिकटॉक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टबैंक जो है टिकटॉक के इंडिया का व्यापार खरीदने के लिए सामने आया है और वो जो है कुछ कंपनियां जो है इकट्ठी कर रहा है टिकटॉक इंडिया के व्यापार को खरीदने के लिए। जो टिकटॉक की तरफ से अपडेट है वो बोल रहा है कि जो इंडिया में यूजर्स हैं वो 200 मिलियन से ऊपर भी हैं और वहाँ का जो प्राइस ऑफर कर रहा है वो काफ़ी कम है, तो ये जो है ऑफर ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि सॉफ्टबैंक जो है काफ़ी अच्छी कंपनी बताई जा रही है और वो जो इसके शेयर्स हैं काफ़ी ऊंचे शेयर्स चल रहे हैं सॉफ्टबैंक के, क्योंकि यहाँ पे जो है टिकटॉक का मानना है ये जो कॉस्ट है उसका जो है बहुत ही कम है। क्योंकि आपको पता होगा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे जो है एक महीने में टिकटॉक इंडिया का रेवेन्यू जो है 22 से 23 करोड़ जो है डॉलर कमाता है ओनली इंडिया से। तो आने वाले समय में अगर जो है सॉफ्टबैंक इसकी कॉस्ट बढ़ाता है और उसको जो है मेंबर्स मिल जाते हैं उसकी साझेदारी के लिए इंडिया के व्यापार को खरीदने के लिए, तो ये सौदा जो है मुमकिन हो सकता है और ये बहुत जल्द जो है ये सौदा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ऐसा हो, तो आने वाले समय में ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू बता दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई टॉप पर न्यूज़ चल रही है तो वो फौजी गेम है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है। और दोस्तों ये जो है इंडिया का यार गेम है, तो यार मिलकर सपोर्ट करो, सभी मिलकर सपोर्ट करो, सभी जितने भी यूट्यूबर हैं सभी वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ये जानकारी जो है पबजी को छोड़कर जो है इसमें आ जाए, तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सोशल मीडिया अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।